हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन सेज इज इट पॉसिबल फॉर ए गिवन लेंस टू एक्ट एज ए कन्वर्जिंग लेंस इन वन मीडियम एंड एज ए डाइवर्जिंग लेंस इन अनदर। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहे हैं कि यह क्या ये पॉसिबल है किसी लेंस के लिए कि एक मीडियम में वो कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करे और दूसरे मीडियम में वो डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करे। तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है लेंस मेकर फॉर्मूला। तो सपोज ये हमारा एक लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है, ये हमारा एक कन्वर्जिंग लेंस है L1, जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, और जो हमारा सराउंडिंग है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। तो लेंस मेकर फॉर्मूला से हमको क्या पता है, 1/f इज इक्वल टू μ1 डिवाइडेड बाई μ2 -1 इंटू 1/r1 -1/r2। तो होता क्या है, ये हमारा बाई कॉन्वेक्स लेंस है, तो इस केस में हमारा जो r1 होगा वो होगा हमारा पॉजिटिव और जो r2 होगा वो होगा हमारा नेगेटिव। r2 जो होगा नेगेटिव, क्योंकि जो ये सेकेंड वाला जो फेस है उसका जो रेडियस होगा लेफ्ट हैंड साइड को होगा और जो हमारा फर्स्ट फेस होगा उसका जो होगा राइट साइड में होगा। तो r1 जो हमारा हो गया पॉजिटिव, r2 हमारा नेगेटिव, तो ये टोटल क्वांटिटी जो ब्रैकेट में होगी ये हमारी हमेशा पॉजिटिव होगी। तो ये हमारी जो है हमारी क्वांटिटी होगी ये हमेशा पॉजिटिव होगी। तो अब हम आगे देखें दूसरी टर्म को जो कि है μ1 डिवाइडेड बाय μ2 -1। तो अगर हम इसको देखें तो अगर हमारा μ1 जो है, तो हमारे पास केस वन क्या है, केस वन है कि जब हमारा μ1 इज ग्रेटर देन μ2 है, तो μ1 इज ग्रेटर देन μ2 है तो हमारी जो ये क्वांटिटी आएगी इसको हम कुछ नाम दे देते हैं, जैसे सपोज एक्स जो है इसको हमने नाम दे दिया। तो अगर हमारा μ1 इज ग्रेटर देन μ2 है तो ये μ1 डिवाइडेड बाय μ2 1 से ज्यादा होगा, तो इसका मतलब हमारा जो x होगा वो क्या होगी, एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। तो अगर हमारी x पॉजिटिव क्वांटिटी है तो हमारा जो f भी होगा वो भी क्या होगा, f विल बी ऑल्सो पॉजिटिव। इस केस में क्या है, μ1 इज ग्रेटर देन μ2 है, मतलब हमारा जो लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा है सराउंडिंग से, तो फोकल लेंथ हमारा पॉजिटिव होता है कन्वर्जिंग लेंस के लिए। तो हमारा जो ये पहले केस में जो है जब μ1 इज ग्रेटर देन μ2 होगा तो ये हमारा बिहेव करेगा कन्वर्जिंग लेंस की तरह। अब हम देखते हैं दूसरा केस, केस टू। तो केस टू में क्या है, अगर सपोज हमारा जो μ2 है वो ग्रेटर देन हो जाता है μ1 से, इसका मतलब हमारा μ1 जो है वो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज लेस देन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग, तो हमारा क्या हो जाएगा उस केस में, हमारा जो x क्वांटिटी है ये वाली वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि हमारा μ1 डिवाइडेड बाय μ2 जो है वो लेस देन 1 हो जाएगा। तो x जो हमारी क्वांटिटी है वो नेगेटिव हो जाएगी, और क्योंकि ये जो सेकेंड टर्म है लेंस मेकिंग फार्मूला में वो हमारी कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव होती है, तो हमारा जो है टोटल क्वांटिटी जो आएगी हमारी f जो आएगी वो भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। और f जब नेगेटिव होती है तब क्या होता है हमारा डाइवर्जिंग लेंस। तो इससे हमें क्या पता चला, ये डिपेंड करता है कि हमारा बाहर का मीडियम जो है रेयर है या डेंसर है कंपेयर टू दिस लेंस। तो अगर हमारा जो मीडियम है वो रेयरर है तो हमारा जो कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा जो हमारा बाई कॉन्वेक्स लेंस है, और अगर हमारा अगर हमारा मीडियम जो है वो डेंसर है कंपेयर टू लेंस, तो हमारे पास हमारा जो लेंस है वो एक डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। तो हमारा जो आंसर हो गया, यस इट इज पॉसिबल फॉर ए गिवन लेंस टू एक्ट एज ए कन्वर्जिंग लेंस इन वन मीडियम एंड एज ए डाइवर्जिंग लेंस इन अनदर। तो हमारा जनरल जो प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारा जो लेंस है
उससे अगर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो गया लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, तो उसका बिहेवियर जो है वो उल्टा हो जाता है। मतलब अगर वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह कन्वर्जिंग लेंस था तो वो डाइवर्जिंग लेंस बन जाता है, अगर वो डाइवर्जिंग लेंस था तो वो कन्वर्जिंग लेंस बन जाता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है यस, इट इज पॉसिबल। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।